ये अभी हम लोगों ने सीखा कि रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपली रैशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए रेशो। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या एग्जांपल हम लोग लेंगे, आपको पता है कि रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, इन दी फ्रैक्शनल फॉर्म, रेशो की फॉर्म में, तो पी अपॉन क्यू या फिर ए अपॉन बी, जहां पी क्यू ए बी, ये क्या है, पी ये जो ऊपर लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ये होता है न्यूमरेटर, और क्यू ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपका न्यूमरेटर क्या है, वो कोई इंटीजर हो सकता है, डिनोमिनेटर क्या है, वो भी कोई इंटीजर हो सकता है। अभी बताया कि इंटीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर, वॉल नंबर और निगेटिव नंबर के साथ में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द इन्फिनिटी, और इसके अपोजिट -1, -2, -3 एंड अप टू द इन्फिनिटी, ये सब क्या है, ये इंटीजर हैं। तो आप को पता लग चुका है कि इंटीजर क्या है, तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की जगह इनको रखिए, तो आपको एक फ्रैक्शनल फॉर्म मिलेगी, एक रेशो मिलेगा बिटवीन द इंटीजर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं नंबर को, रैशनल नंबर। ठीक हुआ, तो जैसे मैं ये a अपॉन b इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखता हूँ, तो a 2 क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ, b इज इक्वल टू 3 है, तो 3 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, राइट। तो अभी हम मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5, और इनका रेशो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होगा, -4 अपॉन 5। अब आप बताइए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, यस दिस इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, वो पॉजिटिव निगेटिव के साथ में लिखे जा सकते हैं, क्यों लिखे जा सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक इंटीजर है, राइट। तो अभी ये आपको समझ आया कि रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, और रेशो के अंदर जो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, एक एग्जांपल आपका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा एक एग्जाम्पल कि ए इज इक्वल टू -3 एंड बी इज इक्वल टू 4, तो अब रेशो लिखिए a अपॉन b, तो a की जगह आप क्या लिखेंगे, -3, b की जगह क्या लिखेंगे, 4, तो -3/4। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, नंबर 4 एग्जांपल, यहाँ पर आप a इज इक्वल टू 2 रखिए और b इज इक्वल टू -5 रखिए, तो a और b का जो रेशो आप है वो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से a अपॉन b, आप इनकी वैल्यू रख दीजिए 2 अपॉन -5, तो रैशनल नंबर क्या हुआ, 2 अपॉन -5, और जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 5। तो ये तो हुआ रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं और रैशनल नंबर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोबारा फिर कि वॉल नंबर क्या है, ए नंबर, ए वॉल नंबर क्या होता है, ए नंबर विदाउट फ्रैक्शंस, अगर इसको डिफाइन करना हो तो वॉल नंबर क्या है, एक नंबर है जिसमें ना तो फ्रैक्शंस आएंगे और ना इंटीजर के फॉर्म आएगी, राइट, तो उसको वॉल नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या हुआ, क्या आपको बताया, नेचुरल नंबर इज लाइक 1, 2, 3, 4, 5 अप ये 20, 50
थाउजेंड, ये सभी नेचुरल नंबर हैं। 1 लाख, ये सब के सब नंबर नेचुरल नंबर हैं। अगर इन नंबर के साथ में जीरो को जोड़ दिया जाए, जैसे कैसे इसको जीरो को जोड़ा जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही जैसे कि ऊपर लिखा है। तो अब जीरो के साथ में जब ये नंबर लिखे गए तो वो सब नंबर हो गए व्होल नंबर। तो ये हुआ व्होल नंबर का एग्जांपल। तो अभी कोई एक एग्जांपल लेकर बताएं कि व्होल नंबर क्या है। अब ये बताएं कि 2 व्होल नंबर है या नहीं है। यस, 2 इज ए व्होल नंबर। 5 इज ए व्होल नंबर। यस। 10 इज ए व्होल नंबर। यस। 20 इज ए व्होल नंबर। यस। 500 इज ए व्होल नंबर। यस। 11 इज ए व्होल नंबर। यस और नो। यस। -2 इज ए व्होल नंबर। नो। व्होल नंबर है जीरो के साथ में जो भी नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव जिनके साथ में हैं। -3 इज ए व्होल नंबर। नो। -10 इज ए व्होल नंबर। नो। -51 इज ए व्होल नंबर। नो। सो नेगेटिव के साथ में जो नंबर लिखे गए वो व्होल नंबर नहीं है। व्होल नंबर कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5।